हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं आप सब ठीक होंगे। मैं मनीष स्वागत करता हूं एक बार फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम जस्ट में। और जैसे कि आज 15 जून है और आपका जो फर्स्ट शिफ्ट है वो कंप्लीट हो चुकी है और उसके मैक्सिमम रियल प्रश्न जो हैं वो भी आ चुके हैं, तो इस वीडियो में हम उन सभी प्रश्नों पर बात करने वाले हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो लोग चैनल पर न्यू विजिट कर रहे हैं, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा गवर्नमेंट जॉब की पल पल अपडेट के लिए। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं रीजनिंग से। तो रीजनिंग के अंदर जो आपका सिलोजिलियम आया था, सिलोजिलियम के आपके 2 से 3 सवाल आए थे, ऑर्डर रैंकिंग के आपके 2 सवाल, डायरेक्शन के आपके 2 सवाल आए थे, और जो आपका ब्लड रिलेशन आया था 2 से 3 सवाल आए थे, और 5 से 6 मेंबर उसके अंदर जो है कंबाइंड किए गए थे, और ये जो लेवल था इसका मॉडरेट लेवल था, यानी कि इजी से थोड़ा सा टफ था। अगर मैं बात करता हूँ कैलेंडर से, तो कैलेंडर से 2 से 3 सवाल आए थे आपके और ये इजी सवाल थे। एनालॉजी से जो 2 से 3 सवाल थे वो भी इजी सवाल आपके फर्स्ट शिफ्ट के अंदर पूछे गए थे। ऑड वन आउट से जैसे उसके अंदर दिया होता है कि 3 1 समान है, जो चौथा है वो अलग को छाटिए, तो उसमें से एक सवाल आया था वो भी आपका इजी ही था। और जो नंबर सीरीज थी उसका एक ही सवाल था और ये मॉडरेट था। अल्फाबेटिकल सीरीज का भी जो क्वेश्चन था वो इजी था। डायरेक्शन का जो था सवाल वो भी इजी था। और मिक्स्ड सीरीज का एक सवाल था और ये सवाल मॉडरेट टू टफ सवाल इसको बोल सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर जो सीरीज थी वो काफ़ी अटपटी है, जैसा कि कैंडिडेटों ने मुझे रिव्यू दिया है तो उसके आधार पर। और सीटिंग अरेंजमेंट के आज भी 7 से 8 सवाल पूछे गए हैं, और लेवल जो है रेलवे के हिसाब से अगर देखा जाए, क्योंकि रेलवे किसी भी एग्ज़ाम में सीटिंग अरेंजमेंट या पजल नहीं पूछता है, उसके अगर लेवल से देखा जाए तो सवाल जो थे वो मॉडरेट ही थे। तो ये हो गए आपके रीजनिंग के मैक्सिमम रियल प्रश्न। अब बात करते हैं मैथ्स के बारे में। तो मैथ्स में मेंस्ट्रुएशन से आपके 3 सवाल आए थे और ये सवाल आपके सिलेंडर और आपका कोन और इस पर ही बेस्ड थे ज़्यादा सवाल। जो 2 से 3 सवाल थे उस सिलेंडर और कोन पर बेस्ड थे। सिंप्लीफिकेशन के आपके 3 से 4 सवाल थे और इनका जो लेवल था वो मॉडरेट लेवल था, यानी कि इजीली आप इसको बिना पेन पेपर के या माइंड के अंदर बना नहीं सकते थे, आपको उसको कैलकुलेशन करके सॉल्व ही करना पड़ेगा। प्रॉफिट एंड लॉस के जो सवाल थे, 2 सवाल तो आपके ईजी थे लेकिन एक सवाल जो था वो मॉडरेट था, यानी कि उसको बनाने के लिए आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा। जो SI CI के सवाल हैं उसके अंदर जो 3 से 4 सवाल आए हैं वो मॉडरेट सवाल थे, यानी कि उसके अंदर जो रेट थी, रेट को आपको घुमा फिरा के दिया हुआ था कि इसको 2 पढ़ा देंगे 2 घटा देंगे तो ये हो जाएगा, यानी कि उसके अंदर आपको काफ़ी सारी कैलकुलेशन करनी पड़ेंगी जल्दी से, जब आप इन 3 से 4 सवाल को ईजीली कर पाएंगे। अगर बात करता हूँ बोर्ड एंड स्ट्रीम की, टाइम एंड वर्क की, तो इसके अंदर आपके 2 सवाल आए थे और ये जो सवाल थे एक इसके अंदर सिंपल सवाल था और एक के अंदर आपको बस थोड़ा सा इसमें ट्रिक की आवश्यकता थी। अगर आपको ट्रिक नहीं जानते हैं तो थोड़ा सा वो सवाल जो लेंथी हो जाएगा, बाकी दोनों सवाल जो थे इजी सवाल थे। अब मैं बात करता हूँ पाई चार्ट के बारे में, DI के बारे में। तो आज 2 DI आई है, एक पाई चार्ट पर आई है और एक टेबुलर पर आई है। दोनों DI के जो सवाल थे वो काफ़ी ईजी थे, जल्दी से बन जा रहे थे। मीन मीडियन मोड पर हर शिफ्ट के अंदर एक सवाल आया है, तो इस शिफ्ट के अंदर भी इन्होंने एक सवाल पूछा था कि मीडियन इसका इतना गुना है तो मोड उसका इतना है, तो मोड तो मीडियन का रिलेशन दिया हुआ था तो मीन बताना था आपका। और इसके अंदर जो परसेंटेज यानी के टाइम एंड वर्क के जो सवाल थे वो 3 से 4 सवाल थे और इसके अंदर से 2 सवाल ईजी थे और 2 सवाल आपके जो हैं मॉडरेट सवाल थे। अब हम बात कर लेते हैं जनरल अवेयरनेस के बारे में। जनरल अवेयरनेस जो कि लेवल अगर मैं इसका कहता हूँ तो मॉडरेट टू टफ ही है हर शिफ्ट के अंदर,
क्योंकि इतना डीपली कोई भी स्टूडेंट नहीं पढ़ता है जनरल अवेयरनेस को। तो जैसा कि हम बात करते हैं करंट अफेयर से, 10 सवाल थे जो करंट अफेयर पूछा गया था, वो 2020 और 21 का पूछा गया था। इसके अंदर एक पूछा गया था करंट अफेयर का डीआरडीओ के, डीआरडीओ से रिलेटेड एक सवाल था, और हिस्ट्री के अंदर अवध की हिस्ट्री से एक सवाल था, 1891 में अवध का कौन शासक हुआ होगा। इस तरीके से कैंडिडेट ने पूरा सवाल नहीं बताया है। ज्योग्राफी से 1 से 2 सवाल थे, 1 से 2 क्वेश्चन थे, और ये सवाल जो थे वो मॉडरेट थे, यानी कि इजी सवाल नहीं थे, मॉडरेट सवाल थे। अगर आपने डीपली पढ़ा है तो आप इजीली कर पाएंगे, वरना तो आपको उसको स्किप करना पड़ेगा। पॉलिटी से आपके हाई कोर्ट से काफ़ी सारे सवाल हर शिफ्ट के अंदर देखने को मिल रहे हैं, तो इसी तरीके से आज भी हाई कोर्ट से रिलेटेड सवाल आए थे, और आर्टिकल 314 और मौलिक कर्तव्य, इन सभी से रिलेटेड पॉलिटिकल में सवाल आए थे, और सवालों की संख्या थी 3 से 4। 3 से 4 सवाल आपके पॉलिटी से पूछे गए थे। अगर मैं बात करता हूँ अवार्ड्स के बारे में, तो अवार्ड्स में पूछा गया था 2020 में तानसेन अवार्ड किसे मिला है, और अवार्ड से एक सवाल और था, वो कैंडिडेट ने अभी तक नहीं बताया है, याद नहीं था उनको। और स्पोर्ट्स के अंदर अगर मैं बात करता हूँ, तो नीरज चोपड़ा से रिलेटेड एक सवाल आया था, वो किस बारे में आया था, कि इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है, या फिर हो सकता है कि इन्होंने जो भाला फेंका था वो कितने मीटर फेंका था, इस तरीके से सवाल हो सकता है, लेकिन रिलेटेड नीरज चोपड़ा से ही था वो सवाल। कंप्यूटर की अगर मैं बात करता हूँ, तो कंप्यूटर से आपके 2 से 3 सवाल आए हैं, और ये सवाल मॉडरेट टू टफ थे, यानी कि इनको तभी आप कर सकते हैं जब आपको हार्डवेयर सॉफ्टवेयर की मीडियम से थोड़ी सी ज़्यादा नॉलेज हो। अगर मैं बात करता हूँ बायोलॉजी की, या फिर साइंस की हम बात कर लेते हैं, साइंस की अगर मैं बात करता हूँ, तो यहाँ पर 3 से 5 सवाल आए थे, लेकिन साइंस के जो सवाल थे वो काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट और काफ़ी ज़्यादा डीपली पूछे हुए थे। तो मैक्सिमम कैंडिडेट का ये कहना है कि 1 से 2 सवाल ही जो है समझ में आ रहा था कैंडिडेटों को, बाकी 3 से जो 5 सवाल है, यानी कि 3 सवाल जो हैं उनको स्किप करने पड़े। और अब बात करते हैं मैक्सिमम कैंडिडेटों का जो अटैम्प्ट है वो कितना है, तो मैक्सिमम कैंडिडेटों का जो अटैम्प्ट है वो 75 के बीच में ही सब कैंडिडेट का जो है 75 से 85, ये एवरेज अटैम्प्ट इसी के बीच में सब कैंडिडेटों का अधिकांश रहा है। और अगर पेपर के ओवरऑल लेवल की बात कर लेते हैं, तो रीजनिंग और मैथ को अगर हटा दिया जाए, अगर जीके को कंपेयर किया जाए, तो जीके काफ़ी मॉडरेट टू टफ थी, बाकी मैथ और रीजनिंग में आप 35 में से आराम से 30 सवाल, और रीजनिंग में भी आप 35 में से 30 सवाल इजीली कर सकते हैं, लेकिन जीके के अंदर आपको 15 या 20 सवाल ही मिलेंगे जो आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो ओवरऑल जो एग्ज़ाम का लेवल है फर्स्ट शिफ्ट का, वो इजी टू मॉडरेट है, और मैक्सिमम अटेम्प्ट मैंने आपको बता दिए हैं। नेक्स्ट शिफ्ट का जैसे ही रिव्यू आएगा मैं आपको वीडियो बना दूंगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा गवर्नमेंट जॉब की पल अपडेट के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।